गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज़ अ टॉपिक विच कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस और टीसी साइकिल के ऊपर डिस्कस किया है, उसमें उसी चैप्टर में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस एक लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो जनरली अगर हम लोग इस टर्म के ऊपर बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस, जेनेसिस मींस जनरेशन, ग्लूको माने ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का या नए ग्लूकोज का जनरेशन, एक तो आपका ग्लाइकोलिसिस जिसमें आपका ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है उसका कन्वर्जन है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जस्ट उसका अपोजिट होता है। सर्टेन रिएक्शंस होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों में एक समान होते हैं। ये भी एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये एडवर्स कंडीशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से एनर्जी के जनरेशन को हम कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। द मेजर सब्सट्रेट प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस लैक्टेट, पाइरूवेट, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज के जनरेशन को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इसका जो मेजर जो प्रिकर्सर्स होते हैं, सब्सट्रेट होते हैं, वो लैक्टेट है, पाइरूवेट है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, प्रोपियोनेट है एंड ग्लिसरॉल है। ये सब इसके सब्सट्रेट की तरह होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों से, जैसे अमीनो एसिड प्रोटीन से, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड फैटी एसिड से ग्लिसरॉल, ये सब मिलता है। तो इनसे जो है एनर्जी के जनरेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। साइट की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स मेनली इन द लीवर एंड टू लेजर एक्सटेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। यानी सबसे ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लीवर में होती है, मतलब उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो लीवर में मौजूद होते हैं, और कुछ हद तक ये रीनल कॉर्टेक्स में भी होती है। द पाथवे इज पार्शली माइटोकॉन्ड्रियल एंड पार्शली साइटोप्लाज्मिक। जैसा कि हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि पहले साइटोप्लाज्म से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी है कि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक दो हिस्सों में ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। अबाउट 1 kg ग्लूकोज सिंथेटाइज एवरीडे। लगभग 1 kg ग्लूकोज जो है इस साइकिल के थ्रू, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो ब्रेन, NCNS, एरेथ्रोसाइट्स, टेस्टिस एंड किडनी, मेड्यूला आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर कंटिन्यूस सप्लाई फॉर एनर्जी। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जिनको एक रेगुलर पैटर्न पर एनर्जी की सप्लाई होती है। अगर रेगुलर पैटर्न पर एनर्जी की सप्लाई इनको नहीं होगी तो इनमें डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो अलाउन रिक्वायर्स अबाउट 120 g ऑफ ग्लूकोज पर डे आउट ऑफ अबाउट 160 g नीडेड बाई द एंटायर बॉडी। टोटल बॉडी जो है करीबन 160 g उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें 120 g जो है केवल ब्रेन को ज़रूरत होती है। एक कंटिन्यूस सप्लाई, उसकी लगातार सप्लाई जो है ब्रेन में एनर्जी की होनी चाहिए। अब ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स दैट सप्लाइज टू द स्केलेटल मसल एनारोबिक कंडीशन। ग्लूकोज जो है वही स्केलेटल मसल को एक ओनली सोर्स होता है ग्लूकोज से, जो एनर्जी मिलती है एनारोबिक कंडीशन में स्केलेटल मसल को। कुछ कंडीशंस हैं जैसे ग्लूकोज जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी हम स्टार्वेशन की कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उस केस में जो भी फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इन सब चीज़ों से एनर्जी का जनरेशन करके ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको एक कंटिन्यूस बेस पे सप्लाई करना एनर्जी की, ये इस साइकिल की सबसे अहम इम्पॉर्टेंस को दर्शाता है। मतलब इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखें। अभी हमने कुछ देखा है थोड़ा कि वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी एक कंटिन्यूस बेस पे मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो वो वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है। ब्रेन
जिसे रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे अभी आपने देखा 120 ग्राम के लगभग एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज जो जनरेट होता है वो उतना वही ले लेता है। तो वही सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम अदर कुछ एस्पेक्ट्स को देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मीट्स द नीड्स ऑफ द बॉडी फॉर ग्लूकोज एंड मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक रेगुलर सप्लाई हम लोग जान चुके हैं पहले भी कि रेगुलर सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की, लेकिन एडवर्स कंडीशन में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रहा है तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से मिलता है, उस समय ग्लूकोनियोजेनेसिस एक वाइटल रोल प्ले करती है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल इन सफिशियंट अमाउंट फ्रॉम द डाइट, डाइट से जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा होता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल के थ्रू ग्लूकोज और एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। सम टिश्यूज सच एज ब्रेन आरबीसी लेंस कॉर्निया एंड किडनी मेडुला रिक्वायर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों ने देखा है ऊपर अभी, तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो कुछ वाइटल ऑर्गन है जिनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी। लीवर ग्लाइकोजन प्रोवाइड ग्लूकोज सप्लाई फॉर 12 से 18 आवर्स इन एब्सेंस ऑफ डाइट्री इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लीवर, चूँकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लीवर में मोस्टली होती है, तो उसी आधार पर यहाँ पे कि लीवर का जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो एक्सेस मात्रा में जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, तो लीवर ग्लाइकोजन जो है वो 12 से 18 घंटे तक ही सप्लाई को मेंटेन कर पाता है एनर्जी का। एज ग्लाइकोजन स्टोर स्टार्ट डिप्लीटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस विच इंश्योर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ब्रेन एंड अदर टिश्यू। अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट हमको डाइट से नहीं मिल रहा है, अब लेकिन हमें इसकी सप्लाई तो चाहिए, लीवर ग्लाइकोजन 12 से 18 घंटे तक ही सप्लाई दे पाता है, ऐसे केस में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो ये ग्लाइकोजन है इसकी कमी महसूस होती है बॉडी में, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जो वाइटल ऑर्गन जो अभी हम लोगों ने देखा है, ब्रेन है, कॉर्निया है, लेंस है, किडनी मेडुला है, इन सब को एक कंटिन्यूस बेस में इस मैकेनिज्म के थ्रू एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर इसका यूज हम अगर देखें तो इट इज़ यूज टू क्लियर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यूज फ्रॉम द ब्लड। ये अदर जो टिश्यूज हैं मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको एक्सक्रीट करने का भी एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, मैकेनिज्म है। जैसे लैक्टेट होता है प्रोड्यूस बाय मसल्स एंड आरबीसी से लैक्टेट प्रोड्यूस होता है जो पाइरुवेट से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है यानी एनर्जी में। इसी तरह ग्लिसरॉल जो होता है वो एडिपोज टिश्यूज से आता है, फिर ये भी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंट में ग्लिसरॉल जो होता है उसको कंज्यूम करती है साइकिल और एनर्जी जनरेट कर देती है। इसी तरह प्रोपियोनिल कोए प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड एंड कार्बन स्केल्टन ऑफ सम एसिड्स। तो इस तरीके से प्रोपियोनिल कोए भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू यूज़ हो जाता है एनर्जी जनरेशन में। इस तरह से जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, जिससे ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हम व्रत रख रहे होते हैं या काफ़ी समय से हम भोजन नहीं ले रहे होते तो उस केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो नॉर्मल लेवल मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी ऑर्गन को ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। द स्टोर ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड विद इन द फर्स्ट 12-18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। अब जब 12 से 18 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ख़त्म होने लगता है। ऑन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, अगर उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक स्टारवेशन हो तो द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज स्पीडेड अप एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म प्रोवाइड द सब्स्ट्रेट नेमली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ज़्यादा समय जब हो जाता है तो प्रोटीन जो होता है वो टूटकर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड देता है जो कि एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए और एनर्जी को जनरेट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, क्या प्रोसेस है, इससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा है, क्या रोल, इसका अहम रोल क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है जब कार्बोहाइड्रेट हमको डाइट से ना मिल रहा हो। इसमें इसके इम्पॉर्टेंस और इसका इंट्रोडक्शन है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, मतलब ये साइकिल कैसे चलती है। तो इससे पहले आप इसको स्टडी करें कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका,
कहाँ पर ये साइकिल इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे चलती है, कौन सा वाइटल ऑर्गन में ये साइकिल अच्छे से चलती है। तो शेड्यूल, थैंक यू।